Okay, so this particular question is from IIT 2018 paper, and the question is from the section called benzene and its reaction. कभी कभी ये chapter दिया होता by the name called aromatic compounds and its reaction. तो जहाँ पे आप फ्रील क्राफ्ट रिएक्शन सीखते हो, एसाइलेशन सीखते हो, एल्कालेशन सीखते हो, क्लोरिनेशन सीखते हो, बेंजीन का सल्फोनेशन सीखते हो, नाइट्रेशन सीखते हो, उस सेक्शन से ही रिएक्शन है. तो एक टिपिकल सी वहां पे सिचुएशन पढ़ाई जाती है कि अगर आपके पास एनिलीन हो, इसका आपको क्या करना हो भाई, इसका अगर आपको नाइट्रेशन करना, जैसा कि ये कह रहा है एनिलीन का नाइट्रेशन किया तो आपके पास पी क्यू आर तीन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं. तो ऐसा होता भी है भाई, अगर आप इसका नाइट्रेशन करते हो, लेट से मैंने इसका नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन करने पे आपके पास तीन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आते हैं. अब तीन क्यों आते हैं जी, अगर जनरल नॉलेज आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जनरली तो बच्चों को यही पता होता है कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा सिर्फ दो ही प्रोडक्ट आएंगे. लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है भाई, ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ पे आपको मिलता है, और बल्कि अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है मेटा प्रोडक्ट आपको. ठीक है जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब तब होगा जब जब भी आपके पास कोई भी एनिलीन की रिएक्शन, NH2 की रिएक्शन कभी भी आपकी अगर एसिडिक मीडियम में हो रही हो, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम होने के कारण की वजह से बेंजीन के ऊपर NH3 पॉजिटिव और बेंजीन बन जाता है. ऐसा करने से ये NH3 पॉजिटिव क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, जिस कारण की वजह से मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है. तो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होने के कारण की वजह से एसिड मीडियम में हमेशा आपको मेटा प्रोडक्ट भी मिलेंगे. तो अगर मैं देखूं तो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा कम, उसमें अगर मैं बताऊं या परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे परसेंटेज लिखी भी हुई है, ये बहुत रिपोर्टेड डाटा है, याद रखने वाला फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए इसको. अगर नहीं याद है तो प्लीज इसको याद रखें आप हमेशा के लिए, हो सकता है आने वाले दिनों में कभी फिर से IIT इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल बनाए. तो जैसे ये है 51%, तो ये होगा मतलब सबसे ज्यादा तो आता है ये होगा पी, और उसके बाद आता है आपका मेटा प्रोडक्ट, ये होगा क्यू. उसके बाद जो सबसे कम आता है वो आता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट. ये टिपिकली मैंने आपको एनिलीन के नाइट्रेशन के प्रोडक्ट बताए, और ये कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जो आप कैलकुलेट करके कुछ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर रहे हो कि कितना कितना परसेंट आएगा, ये याद रखने वाला फैक्ट है. तो थ्योरी से आपको ये याद होना चाहिए एनिलीन वाले केस का नाइट्रेशन कितना कितना परसेंट ऑर्थोमेटा और पैरा प्रोडक्ट बनता है. ठीक है जी, अच्छा देखिएगा आगे क्या कह रहा है. कह रहा है आर को पकड़ो और उससे ये सारी रिएक्शंस कर दो. पिछले एक दो साल से ऐसा प्रचलन देखा गया है कि वो बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करा के तब जाके क्वेश्चन पूछता है. वो ऐसा करके कर क्या लेता है, IIT ऐसा करके आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस करवा देता है. जैसा कि ये सबसे पहला काम क्या करवा रहा है, एसाइलेशन. एसाइलेशन के लिए उसने यूज किया एनहाइड्राइड, तो आपने ये सबसे पहले जी एनहाइड्राइड लिया. एनहाइड्राइड क्या करेगा, इस NH2 को NHC डबल बॉन्ड CH3 कर देगा, यहाँ का C डबल बॉन्ड CH3 जाके इससे अटैच हो जाएगा. तो इसने एनहाइड्राइड लिया, Ac2O इज नथिंग बट एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड को AC बोलते हैं, तो दो AC है, एक O है, Ac2O. इसको आप जब यूज करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, NH2 से बन जाएगा NHCOCH3. ऐसा एनिलीन पे काफी बार कराया जाता है, कभी कभी ऐसा भी कराया जाता है. आपने एक बहुत फेमस सिचुएशन पढ़ी होगी कि अगर एनिलीन का मैं एक्सेस में ब्रोमिनेशन कर दूं तो सारे ऑर्थो नाइट्रा सारे ऑर्थो और पैरा पे आपके BR 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 जुड़ जाएगा. तो अगर क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है NH2, इस कारण की वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन देने की टेंडेंसी रखता है. लेकिन अगर आप इसको क्या कर दो, थोड़ी देर के लिए NHCOCH3 बना लो, एसाइलेशन कर दो इसका. ऐसा करने से अब ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाता है. अब अगर आप इसकी EAS रिएक्शन कराओगे तो एक्सक्लूसिवली मेटा सॉरी ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट देगा आपको. यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो गया, लेकिन NH2 बहुत रिएक्टिव था. तो थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए कम रिएक्टिव बना लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं. जब हमारा काम हो जाएगा लास्ट में पानी डाल के ये जो हमने COCH3 लगाया इसको हटा देंगे. तो ये जो तीसरे स्टेप में पानी डाला हुआ H3O+, इससे ये COCH3 हटा देगा. तो देखते जरा इसने सेकंड स्टेप क्या किया. सेकंड स्टेप वही किया जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ब्रोमिनेशन करवाते हैं काफी बार इसका. एसिडिक मीडियम में आपने इसका ब्रोमिनेशन कराया तो ऐसा करने से आपको सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैं एक चीज शायद लगाना भूल गया, ये आर प्रोडक्ट कह रहा था, यहाँ पे एक NO2 भी होगा, यहाँ एक NO2 भी होगा. तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ एक NO2 था, एक CH3 था, और इसके पैरा पे जाके एक BR और जुड़ जाएगा. आपने ब्रोमिनेशन कर दिया, ठीक है जी. अगर आपने ब्रोमिनेशन मतलब डायरेक्टली कर दिया होता, आपने ये ना लगाया होता, तो हो सकता है कि आपको ब्रोमिनेशन करते वक्त आपका ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे BR लग जाता. लेकिन अभी हमने NHCOCH3 इसको बना लिया, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव बना लिया इसको, इसकी वजह से ब्रोमिनेशन एक्सक्लूसिवली आपको पैरा प्रोडक्ट दे रहा है. ठीक है जी, इसके बाद पानी डालने पे ये जो हमने लगाया था ये पोर्शन फिर से हट जाएगा. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये जो CO CH3 आपने लगाया था वापस से चला जाता है और फिर से इसको NO2 में
सॉरी NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से जी आपका बन गया ये। अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है डायजोनियम सॉल्ट बनाओ फिर ETOH हीट कर दो। अच्छा जी, ये तो आपको बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको आता ही होगा। डायजोनियम सॉल्ट बनवाया इसने NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाल के, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने पे क्या होता है, ऐसा करने जो NH2 है बेंजीन पे लगा हुआ, ये N2+Cl- आयन बन जाता है, जिसको डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो आपने बना लिया जी डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद इसने क्या किया, डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद इसने यहाँ पे डाल दिया जी ETOH। मैं थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, अभी और भी रिएक्शन करानी है। तो इसको मैं देता हूँ जी, इसने यहाँ पे आपने किया ETOH, ETOH हीट मतलब इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट। इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट क्या करता है, ये पूरे पोर्शन को हटा ही देता है, नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो मतलब इस पूरे पोर्शन को हटा देगा, N2 गैस बनकर उड़ जाएगी और ये फाइनली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा ऐसा बेंजीन है आपके पास। यहां रह गया आपका NO2, यहां एक BR और ये जो N2+Cl- आयन था ये हट गया। तो ये काम किया आपका ETOH हीट ने। और यही सेम रिएक्शन करता है कौन, यही सेम रिएक्शन करता है H3PO2 भी। तो यहाँ पे भी इसने डायजोनियम बनवा के H3PO2 डाल रखा, मतलब लास्ट में फिर से यही ऐसे ही कुछ करेगा, डायजोनियम बनवाएगा फिर उस डायजोनियम वाले N2+Cl- आयन को लास्ट में हटवा देगा। तो देखते हैं ये तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया S प्रोडक्ट। इसको मैं डिजिग्नेट कर दूं, नाम दे देता हूं इसको S। ये मिल गया जी S। अब S से क्या कराना है, S से आपको इसने डाला SnHCl। अच्छा जी, SnHCl डालोगे तो जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका यहाँ पे Br और जो NO2 था ये आपका NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसने क्या किया, फिर से ब्रोमिनेशन कराया, लेकिन इस बार एक्सेस में कराया। और एक्सेस में अगर ब्रोमिनेशन कराओगे तो इस NH2 के रिस्पेक्ट में जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशंस होगी सब पे Br जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ब्रोमिनेशन कराया बट एक्सेस में। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जितने भी NH2 के ऑर्थो पैरा पोजीशंस होंगे, मतलब ये तीनों, इन तीनों पोजीशंस पे आपका Br जुड़ जाएगा। तो यहां पे Br, यहां Br और यहां Br। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इसका डायजोनियम बनाया, फिर से वही वाली रिएक्शन जो ये वाली रिएक्शन करी थी इसने NaNO2HCl और फिर इसको हटा दिया, वही रिएक्शन फिर से करवा रहा है कि NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ने आपसे कराया, उससे आप डायजोनियम बना दो NH2 का। तो बाकी Br को तो हमने छेड़ा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेंगे, Br यहां, एक Br यहां और एक Br यहां, इसको तो हमने छेड़ा नहीं। ये बन जाएगा जी N2+Cl- आयन। फाइनली आपका यहां पे इसने क्या किया, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट इसने क्या कर रखा है, H3PO2। और मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो ETOH ने जो काम किया था वही H3PO2 भी करता है। ये N2+Cl- आयन को हटा देगा, नॉर्मल बेंजीन पे इस जगह पे हाइड्रोजन लगा देगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिवली आपका N2+Cl- आयन हट गया, एक Br यहाँ रह गया और तीन Br ये रह गए। बस यही फाइनल प्रोडक्ट है। एक बार अपने चारों ऑप्शंस में आप चेक करके देखो, ऐसा कहीं आपको नजर आ रहा है क्या? तो अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को कहां दिख रहा है, ये इस तरह का प्रोडक्ट मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर D में। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर D। थैंक यू।